नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत, तो मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की तरफ से धमकी भरा पत्र दिया गया है। आतंकी संगठन TRF का धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। TRF की ओर से धमकी भरा पत्र जारी करते हुए कहा गया कि इस बार RSS और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पे धमकी भरा पत्र मिला है। इसके साथ जम्मू में हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। विनीत, देखिए कि पहले ये धमकी भरा पत्र और फिर कटरा में IED ब्लास्ट, क्या क्या मायने हैं इन सबके? एक वीडियो भी वायरल हुआ था जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने कटरा की बात की, कटरा से श्रद्धालु जो आ रहे थे वो बस में थे जो जम्मू की तरफ वापस आ रहे थे दर्शन करने के बाद, तो रास्ते में एक ब्लास्ट होता है उस बस के अंदर जिसमें 8 लोग हताहत होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद जो हमारी प्रशासन है जम्मू कश्मीर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा ये मिस्टीरियस ब्लास्ट है। मिस्टीरियस ब्लास्ट के कहने पर फिर एक जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप ने एक लेटर इशू किया और एक वीडियो भी इशू किया जिसमें उसने साफ तौर पर कहा यह आईडी ब्लास्ट था, है, जो कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेवारी ली थी। और आज फिर देखने को मिल रहा है कि एक लेटर इशू होता है जो कि अपना TRF की तरफ से, ग्रुप की तरफ से होता है जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसने साफ तौर पर यह कहा है कि हम अमरनाथ यात्रा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे श्रद्धालुओं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो RSS और भाजपा के गुंडे बनकर यहाँ पर यात्रा करने के लिए आएंगे और उन चीजों से हमें दिक्कत है, और हम जो आजादी कश्मीर के लिए मांग रहे हैं हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे और आजादी पूरी हमें चाहिए, मगर अगर RSS और भाजपा के गुंडे बीच में आकर ये कोई हरकत करते हैं और कश्मीर के मुद्दे में वो बीच में ना आए, नहीं तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, ये धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पे क्या तैयारियां किया गया है? जी, जैसे कि मैं बता दूं, एक हाई लेवल मीटिंग कुछ दिन पहले भी हुई थी जो कि गृह मंत्रालय में हुई थी अमरनाथ यात्रा को लेकर। उसमें भी यही चीज देखी जा रही है कि सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम पहले भी होता था अमरनाथ यात्रा, क्योंकि 2008 का अबम्बम बोले अगर हमारे दर्शकों को याद हो तो उस टाइम भी यही एक हालात हुए थे, और उससे पहले भी एक बारी जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई थी और बाला साहब ठाकरे जो कि स्वर्गवासी बाला साहब ठाकरे, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि मुंबई से ही हज के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं, तो हम भी देखते हैं कि यहाँ से कौन सा मुस्लिम तबका यहाँ से हज के लिए जाएगा। जब उस टाइम भी धमकी दी गई थी और उसके बाद यात्रा खोल दी गई थी, मगर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रशासन, बेल्ट फोर्स और केंद्र सरकार इस पर सतर्क है और पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी का किया जा रहा है। जी विनीत, शुक्रिया सब जानकारी देने के लिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आतंकी संगठन की ओर से ये धमकी भरा पत्र मिला है। अब देखना होगा कि आगे पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस तरीके से सुरक्षा के जो इंतजाम है वो रखती है।